बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्या हाल है आप लोग का? आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और साथ में आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 सोशल स्टडी का स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ। उसमें हमने स्टार्ट में पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा कि अर्थ के इनसाइड में क्या कुछ मौजूद है। उसके बाद हमने फॉल्ट्स का पढ़ा, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स पढ़ा, अर्थक्वेक का पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो वॉल्केनिज्म की तरफ थोड़ा शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6, होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड एंड अंडरलाइन द डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट लाइन्स। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो अर्थक्वेक का टॉपिक कवर किया, आज उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें आपको बताया जा रहा है अर्थक्वेक की जो कुछ बेल्ट्स हैं, कुछ जोन्स हैं, कौन सी जोन्स हैं जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बेल्ट्स हैं। जस्ट एक रीडिंग है पैराग्राफ की। मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर इन सिस्मिक बेल्ट्स। दीज बेल्ट्स आर क्रिएटेड एट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड कॉज अर्थक्वेक। मीन्स टू से टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, एक दूसरे से टकराती हैं एंड कॉज अर्थक्वेक। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट। ये आपको जस्ट बेल्ट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी बेल्ट्स हैं, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट रीडिंग है। इट इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। अब जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वो पैसिफिक ओशन से रिलेट कर रही है, सच एज जापान, न्यूजीलैंड, अलास्का, कैलिफोर्निया एंड पेरू। द अल्पाइन बेल्ट crosses the Mediterranean region and passes through Asia towards the Circum-Pacific Belt. Spain, France, Greece, Turkey, Libya, Morocco, Pakistan and Iran are some countries located across this belt. इसमें आपको जस्ट बेल्ट्स का बता दिया। यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक था वो टोटली कम्प्लीट हो चुका है और फिर हम नेक्स्ट पे अब मूव करेंगे वॉल्केनिज्म, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर से कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है। आप लोगों ने प्रीवियस 6 क्लास में कुछ ना कुछ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनोस का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये अंडरलाइन करें जितना मैं आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 6 पे आपके वॉल्केनिज्म की सेकेंड हेडिंग मौजूद है, यहाँ से अंडरलाइन करें। वॉल्केनिज्म इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इरप्शन ऑफ मोल्टन रॉक्स, रॉक फ्रेगमेंट्स एंड हॉट गैसेस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। वॉल्केनोज आर मोस्टली क्रिएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ तक आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब ये अंडरलाइन मैंने क्यों करवाया है ये मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वॉल्केनिज्म क्या है? वॉल्केनिज्म इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इरप्शन, इरप्शन कहते हैं निकलना, बाहर निकल रही है कोई चीज़, ऑफ मोल्टन रॉक्स। मोल्टन रॉक्स वो जो हमने पढ़ा था अपर मेंटल और क्रस्ट में, वो जो एक फ्लूइड टाइप, जो अपर मेंटल में एक फ्लूइड, गाढ़ा फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से वो जो रॉक हैं वो मोल्टन रॉक्स बन जाती हैं, मैग्मा में चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई हीट पे, और उसके बाद वही मैग्मा लावा बनकर बाहर आ जाता है। तो इसको प्रोसेस को हम वॉल्केनिज्म कहते हैं, ठीक है। वॉल्केनोज आर मोस्टली क्रिएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। द मोल्टन रॉक और मैग्मा कम्स आउट एज लावा फ्रॉम अ पाइप लाइक पाथ इन द क्रस्ट कॉल्ड वेंट। अब वो पाइप, एक जो पाइप शेप, जो एक कह लो कि वे है, जो प्रॉपर एक पाइपलाइन है या रास्ता है, उसको उन्होंने वेंट का नेम दे दिया, जिसमें से वो जो मैग्मा लावा बनकर बाहर निकल रहा है। द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज़ अ क्रेटर। और वो जो ऊपर उसका टॉप पे एक होल सा, माउथ सा बन जाता है, उसको उन्होंने क्रेटर का नेम दे दिया है। अगर इसको इस पिक्चर से आप लोग देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पर जो रॉक है वो मोल्टन रॉक मैग्मा में चेंज हो के इस येलो आपको एक पाइप सा नज़र आ रहा है। इस पाइप से क्या हो रहा है, इस पाइप को उन्होंने वेंट का नेम दे दिया और इस पाइप से यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये जो इसका ऊपर होल है वो उसको उन्होंने क्रेटर का नेम दे दिया है, ठीक है। और ये पहले मैग्मा फॉर्म में था, जब यहाँ से ऊपर बाहर आ रहा है तो इसको लावा का नेम दे दिया है। और यहाँ से बाहर क्या निकल रही है, ऐश एंड गैस क्लाउड। ये ऊपर आपको क्लाउड नज़र आ रहा है, मतलब वो जो स्टीम, धुआं वगैरह होता है, ठीक है। तो क्या कह रही हैं कि वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म क्या है कि जो
अपर मेंटल में वो जो फ्लूइड मौजूद है, हैवी हीट हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो मैग्मा लावा में चेंज होके यहाँ से बाहर निकलता है, तो उस मैग्मा को हम लावा कहते हैं। इस पाइपलाइन को हम वेंट का नेम दे देते हैं, इस माउथ को हम क्रेटर का नेम दे देते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम वोल्केनिज्म का नेम दे देते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो क्लिप है आपके पास, इसको देखिए आप लोग। अच्छा, ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, आपने देखा है ब्लैक माउंटेन हमारे पास मौजूद है, और कैसे उसमें से जो मैग्मा है वो लावा बन के एकदम बाहर निकल रहा है, और ऊपर क्लाउड क्लाउड आपको नज़र आ रहे होंगे, कि सारा प्रोसेस वॉल्केनिज्म का प्रोसेस है, और ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, मैग्मा लावा बनकर बाहर निकल रहा है जब उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट और प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, ये वॉल्केनिज्म का मैंने आपको स्टार्ट का भी इंट्रोडक्शन बताया, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टू लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसका कोई एक टेस्ट भी रखेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए डायरी लर्न है, रिटर्न मैंने होमवर्क टास्क कुछ नहीं दिया आपको, आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वॉल्केनिज्म। ठीक है, अभी आपको पेज नंबर 6 पे मैंने वॉल्केनिज्म की हेडिंग में कुछ लाइन्स 4 to 5 लाइन्स मैंने आपको अंडरलाइन कराई हैं, वो इसका आंसर है। आप लोगों ने लिखना नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इसको बुक से याद करना है, लर्न मीन्स टू से, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, याद करना है। ठीक है, लिखना नहीं है आप लोगों ने। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह।